आपकी ये हाजिरी इस बात का संकेत दे रही है कि फिरोजपुर जिले में क्या होने वाला है। आप सब लोग इसमें शिरकत करें, आप सबका मैं इसकी गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे पूर्वी और आने वाले मुख्यमंत्री जी ने इस इलाके की विकास और इस इलाके की मान सम्मान और मैं कहूंगा इस इलाके को अगर विकास और तरक्की का सपना देखने का मौका मिला चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आज यहाँ पहुंचने में मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। हमारे विधायक साथी जो आपके और इलाके की लड़ाई हमेशा हमारे साथ देख के चलते हैं भाई अमन खान जी और यहाँ इलाके के सभी सम्मानित हमारे बुजुर्गो नौजवान साथियों प्यारे बच्चों आज आपके बीच में हम इसी बात को कहने के लिए आए हैं कि हमेशा चाहे 2019 की बात हो, लोकसभा की चाहे 2019 से विधानसभा की बात हो, चाहे बात हो 2024 के लोकसभा के चुनाव की, इस इलाके में हमेशा जो 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है, जो उनका प्रयास रहा है इस इलाके को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो कांग्रेस की सरकार ने जो 10 साल में विकास दिया था उसको रोकने का काम किया है और आप सब लोगों की अनदेखी करने का काम किया है। आज ना तो स्कूलों में टीचर है, ना ही फोर लेन जो मंजूर कर दिया था चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उसका काम किया, ना बिजली का ना पानी का इंतजाम है जो बुनियादी सुविधाएं हैं। यहाँ तक रोजगार की बात है, रोजगार तो इस सरकार ने लेने के बजाय छीनने का काम किया है। साथियों, ये सरकार और बीजेपी की विचारधारा है कि धर्म और जाति के ऊपर समाज को बांट के अपना नफरत का एजेंडा चला